नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्विटर पर 2-3 दिन से लगातार कुछ हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें मीडिया को बहुत ही फटकार लगाई गई है। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है मीडिया के लिए कि ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जैसे कि इंडिया टीवी, न्यूज़ नेशन, आज तक और एबीपी न्यूज़, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, जो कि हाथरस में हुई एक बहुत दुखद घटना के साथ सभी धर्म गुरुओं के साथ संत रामपाल जी महाराज जी को जोड़ रहे हैं और उन पर इतने बुरे एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो कभी हुए ही नहीं, और जिनके लिए मीडिया उनसे पहले भी माफ़ी मांग चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ही इस धरती पर एकमात्र संत हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिखाए हैं जो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े संत नहीं कर पाए। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। आज ऐसे ही करोड़ों उनके शिष्य हैं जिन्होंने अपना नशा छोड़कर उनसे नाम दीक्षा ली है। संत रामपाल जी महाराज हर 1.5-2 महीने बाद ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो मैं मीडिया वालों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने टीआरपी ही लेनी है तो सही चीज़ें दिखाकर लो ना। संत रामपाल जी महाराज इतने सामाजिक कार्य करते हैं, ये सब चीज़ें तो अपने अपने कभी चैनल्स पर दिखाई नहीं। मैं सभी मीडिया हाउसेज से ये कहना चाहती हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने एक ऐसे महान संत पर इतने गलत और बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। एक संत के गलत होने से सभी संत गलत नहीं हो जाते हैं। और मेरी सभी मीडिया हाउसेज से ये मांग है कि आपने जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ गलत और फेक न्यूज़ दिखाई है, आप उसके लिए जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगें, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता।